हे गाइस, तो हम लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस टाइप के 9 वोल्ट का बैटरी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते ही हैं। तो गाइस, इसमें एक प्रॉब्लम हम सबको ये आती है कि इसका बैकअप काफ़ी ज़्यादा कम होता है। एक दिन इसका लगातार यूज़ कर लोगे ना तो पूरा बैटरी डेड हो जाता है, और ये बैटरी जो है रिचार्जिंग भी नहीं होता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इससे। और एक बैटरी ना मेरे इधर 30 रुपये का मिलता है, आपके इधर कितने रुपये का मिलता है एक बैटरी मुझे कमेंट कर बताना। तो मैं कई सारा प्रोजेक्ट बनाता हूँ और वहाँ पर इसका यूज़ करता हूँ ना तो बैटरी पूरा ख़त्म हो जाता है, तो मुझे बार बार नया बैटरी खरीदना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसलिए कि मैं इस बैटरी को आज ना रिचार्जेबल बनाकर आपको दिखाऊंगा। आपके पास भी काफ़ी सारा बैटरी पड़ा होगा इस टाइप का, तो उसे रिचार्जेबल बनाकर आप काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हो। और इसे रिचार्जेबल बनाने के बाद ना ये 2-3 साल तो आराम से चल जाएगा, और आप खुद ही इस बैटरी को बनाओगे तो आप उसे बाद में रिपेयर भी कर सकोगे। तो चलो अब इसे रिचार्जेबल बनाते हैं। 9 वोल्ट का रिचार्जेबल बैटरी बनाना बहुत ही आसान है, इसे मैं लिथियम बैटरी बनाऊंगा, तो वीडियो कंप्लीट देखना। तो यहाँ पर गाइस नॉर्मल बैटरी है, तो ये पूरा डेड हो चुका है। तो चलो एक बार मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाइस, मोटर जरा सा भी रोटेट नहीं कर रहा है, जरा सा भी इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो बैटरी ना कम्प्लीटली डेड हो चुका है। तो चलो एक बार वोल्टेज चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर में देखिए वोल्टेज कितना ज्यादा कम दिखा रहा है, 9 वोल्ट की बैटरी में 3 वोल्ट दिखा रहा है। इन बैटरी में वोल्टेज तो है लेकिन इनमें एम्पियर जरा से भी नहीं है, इसलिए बैटरी मोटर को भी नहीं चला पाया। तो इन नॉर्मल बैटरी को 9 वोल्ट की रिचार्जेबल लिथियम बैटरी बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो इसे खोलूंगा। तो इसके आगे साइड से आप खोल सकते हो या फिर पीछे साइड से, तो मैं पीछे साइड से खोलूंगा। यहाँ पर मैं एक स्क्रू ड्राइवर का यूज करूंगा, स्क्रू ड्राइवर को बस बैटरी के अंदर इस टाइप से घुसा करके उठाते जाना है, तो उसके अंदर जो सील लगा है ना वो खुलते जाएगा, और इसी टाइप से आपको चारों ओर से इसके एक सील को निकाल लेना है। तो फटाफट से मैं निकाल करके आपको दिखाता हूँ। गाइस, इस टाइप से बैटरी को मैंने पीछे से खोल लिया, तो अब इसके अंदर का जो भी सामान उसे निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हो गाइस, काफ़ी आसान है इस बैटरी को खोलना। और ये रहा इस बैटरी का सेल, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेल लगा है जो कि 1.5 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का है, तो 6 सेल मिलकर यहाँ पर 9 वोल्ट बनाता है। ये तो किसी काम का नहीं है, तो इसे मैं फेंक देता हूँ। इसके बदले हम यूज़ करेंगे इस टाइप का लिथियम बैटरी, जो कि काफ़ी आसानी से मिल जाता है और इसमें बैकअप भी काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर एक मेरे पास 200mAh का बैटरी है और दूसरा जो है 300mAh का बैटरी है, तो काफ़ी अच्छा बैटरी है। और इसका साइज़ भी ना बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हो इस टिन के डब्बे के अंदर काफ़ी आसानी से चला जा रहा है। दूसरा बैटरी भी आसानी से चला गया और थोड़ा जगह भी बच गया इसमें मॉड्यूल वगैरह लगाने के लिए। दोस्तों, इन बैटरी में एक छोटी सी दिक्कत यह है कि ये बैटरी 3.7 वोल्ट का है और हम यहाँ पर 9 वोल्ट का बैटरी बना रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम इस टाइप का DC-to-DC बूस्टर मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, और साथ में इस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए अलग से इसमें TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल लगा सकते हैं। इन दोनों के अलावा मार्केट में एक और मॉड्यूल मिलता है, ये वाला, जिसमें बैटरी चार्जिंग भी होता है और साथ ही साथ वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। इसमें इन दोनों मॉड्यूल को मिक्स करके वाला बोर्ड बना दिया गया है, तो इसका कनेक्शन करना काफी ज्यादा आसान है। और ये जो है 3.7 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट आउटपुट कर सकता है। इसका साइज भी एकदम परफेक्ट है 9 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए, देख सकते हो डब्बे के अंदर आसानी से फिट हो जा रहा है। तो अगर आपको मॉड्यूल खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। दोस्तों, इस 9 वोल्ट की बैटरी में मुझे ज्यादा बैकअप मिले, इसलिए यहाँ पर मैं 2 बैटरी का यूज करूंगा। यहाँ पर एक जो है 200mAh और दूसरा 300mAh का है, तो इन दोनों को मैं पहला रन में जोड़ दूंगा ताकि इन दोनों का एम्पियर बढ़ सके, एमएच बढ़ सके। तो फटाफट से मैं इनको आपस में जोड़ लेता हूँ, रेड को रेड के साथ और ब्लैक को ब्लैक वायर के साथ मैं जोड़ दूंगा, पहला रन में कनेक्शन करना है। वैसे तो मार्केट में 500mAh का बैटरी मिल जाता है, लेकिन उसका साइज ना काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, उस 9 वोल्ट की बैटरी के डब्बे के अंदर फिट नहीं होता, इसलिए मैंने छोटा छोटे बैटरी का यूज किया है यहाँ पर। दोस्तों, इस बूस्टर मॉड्यूल में देखो बैटरी चार्जिंग करने के लिए छोटा सा माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया जिसमें चार्जर कनेक्ट होता है, तो इसके साइज का हमें टिन के डब्बे में होल करना होगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ इसके सीध में, इसके बाद ड्रिल मशीन की मदद से यहाँ पर मैं होल कर लेता हूँ। गाइस, ये बहुत ही पतला टिन कनस्तर से बना है, तो आसानी से होल हो जाता है। आप ड्रिल मशीन नहीं है तो आप स्क्रू ड्राइवर या फिर कैंची की मदद से भी होल कर सकते हो। गाइस, एकदम परफेक्ट है, साइज का यहाँ पर होल हुआ है, एकदम मस्त फिट आ रहा है। तो चलो अब इसके कनेक्शन पर आते हैं। इसका कनेक्शन करना एकदम हलवा, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि बैट माइनस बैट प्लस, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट होगा, और ऊपर में आउट प्लस आउट माइनस लिखा है, यहाँ पर आउटपुट का वायर कनेक्ट होगा। तो फटाफट से चलो इसमें सोल्डिंग वगैरह कर लेते हैं। बैटरी को सोल्डिंग करते समय इसके प्लस माइनस का जरूर से ध्यान रखना, नहीं तो मॉड्यूल खराब हो सकता है। यहाँ पर गाइस देख सकते हो एक छोटा सा प्रीसेट दिया है जिसे रोटेट कर हम इसके वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं इसे रोटेट करूंगा तो इसका वोल्टेज देख सकते हो मल्टीमीटर में बढ़ रहा है। तो देखते हैं कितना ये मैक्सिमम आउटपुट कर सकता है वोल्टेज। तो इसे मैं फुल घुमा देता हूँ,
तो यहाँ पर देखिएगा इस वोल्टेज 18 वोल्ट से भी ज़्यादा यहाँ पर शो कर रहा है, इसलिए मल्टीमीटर एरर कर दिया। वैसे तो ये मॉड्यूल मैक्सिमम 24 वोल्ट तक आउटपुट कर सकता है, तो अभी के लिए हम इसे 9 वोल्ट पर सेट कर लेते हैं। नए बैटरी में इसे 9 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज रहता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर सेट कर देता हूँ। 9.37 वोल्टेज काफ़ी रहेगा, तो इतना मैंने सेट कर दिया। अब गाइस जो बैटरी का ऊपर वाला कैप होता है नए वाला, इसका एक्स्ट्रा जो स्ट्रिप है इसको मैं कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो स्ट्रिप कट किया ये वाला भाग होता है प्लस वाला, और जो स्टार शेप में ये होता है माइनस वाला। तो अब जो मॉड्यूल का आउटपुट वायर था रेड और ब्लैक वायर, इसको मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए। तो गाइस हमारा इस 9 वोल्ट का बैटरी का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस देखिए इस मॉड्यूल में दो छोटा छोटा एलईडी लाइट दिया है जो कि बैटरी चार्जिंग को इंडिकेट करता है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हॉट ग्लू को इस टाइप से लंबा कर लगा देता हूँ, इसके थ्रू लाइट जो है ट्रैवल कर बाहर की ओर दिखाई देगा। इंडिकेशन लाइट के लिए मैंने छोटा सा होल भी यहाँ पर बना दिया है। गाइस ये टिन का कनस्तर का बना है, तो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट भी हो सकते हैं सभी मॉड्यूल, तो जहां भी आपको लगे जिस जगह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उस जगह को आपको टेप से अच्छे से कवर कर देना है। तो जहां जहां मुझे लग रहा है वहां पर मैं अच्छे से टेप कवर कर देता हूं ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। अब दोस्तों इस टिन के डब्बे के अंदर इस बैटरी पैक को अच्छे से फिट कर देना है। यहां पर हमने लिथियम बैटरी का यूज किया, तो काफी अच्छा बैकअप मिलेगा इस बैटरी में। तो फटाफट से मैं इस बैटरी को अंदर फिट कर लेता हूं, और देख सकते हो काफी अच्छे से इसका फिटिंग हो चुका है, परफेक्ट साइज का हमने बैटरी पैक बनाया हुआ है। अब इसको पीछे से चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर काफी सारा हॉट ग्लू भरने वाला हूँ। इससे पहले मैं इसमें चार्जर को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो जो चार्जिंग सॉकेट है उसके अंदर काफी सारा हॉट ग्लू भर जाएगा। पूरा ऊपर तक यहाँ पर ग्लू भरने के बाद जो पीछे का कैप था ब्लैक कलर का, इसको भी मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ। और चार्जिंग इंडिकेटर के लिए लाइट का होल बनाया था, उसके अंदर भी मैं ग्लू भर देता हूँ ताकि लाइट जो है बाहर तक दिखाई दे। अब दोस्तों लास्ट काम एक और करना है, जो टिन कनस्तर ऊपर की ओर उठा हुआ है इसके अंदर की ओर मोड़ते जाना है, जैसे पहले बैटरी था ना उसी टाइप से आपको बनाना है ताकि बैटरी पीछे से ना खुले। वैसे हमने ग्लू गन की मदद से काफी अच्छे से चिपका रखा है, तो ये भी नहीं करोगे तो बैटरी नहीं खुलने वाला है, लेकिन मैं इस बैटरी को अच्छा दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैं इसे अंदर की ओर मोड़ देता हूँ पहले जैसा। गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाने की सोच रहा हूँ, मैंने थोड़ा तैयारी भी कर लिया, तो अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो प्लीज मुझे कमेंट कर बताना। तो गाइस यार फाइनली हमारा 9 वोल्ट का लिथियम बैटरी बनकर रेडी है, तो चलो इसको मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस मल्टीमीटर में जैसे पहले हमने वोल्टेज सेट किया था उतना ही वोल्टेज आ रहा है, 9.37 वोल्टेज। अब चलो इसका टेस्टिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये मेरे पास है ड्रोन मोटर, तो ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है, देख सकते हो मज़ा ही आ गया। अब मैं इस बैटरी को एक बार चार्जिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया, और इसे चार्जिंग करते समय इसमें रेड कलर का एलईडी लाइट जलता है, देख सकते हो। और जब बैटरी फुल चार्जिंग हो जाएगा तो इसका कलर बदल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। 20 मिनट अच्छे से चार्जिंग करने के बाद आप देख सकते हो एलईडी लाइट का कलर चेंज हो चुका है, रेड से या ग्रीन कलर में बदल चुका है, यानी बैटरी बढ़िया से फुल चार्जिंग हो चुका है। बैटरी के ओवर चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए इसमें प्रोटेक्शन के लिए BMS भी लगा हुआ है, तो बैटरी ओवर चार्जर नहीं होगा। तो चलो गाइस अब इसकी फुल टेस्टिंग करते हैं। गाइस ये मेरे पास है 20 वाट का कोब एलईडी लाइट, इसे चलाकर देखते हैं क्या बैटरी से चला पाएगा, चलो देखते हैं। वाह ये तो काफी बेहतरीन तरीके से चला रहा है। ये एलईडी 12 वोल्ट का है लेकिन 9 वोल्ट से भी ना फुल ब्राइटनेस के साथ चल रहा है, काफी ज्यादा पावरफुल बैटरी बना है। तो ये बैटरी क्या 555 मोटर को चला पाएगा, चलो इसकी टेस्टिंग कर देखते हैं। मोटर के साथ मैं एक प्रोपेलर भी जोड़ देता हूँ। वाह गाइस ये तो काफी बेहतरीन तरीके से चला रहा है, एकदम हाई स्पीड से मोटर घूम रहा है, मजा आ गया। बैटरी का चार्जिंग खत्म हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं, हम इसे बार बार चार्जिंग करके यूज में ले सकते हैं। वैसे गाइस इसे आप किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हो, जहां 9 वोल्ट की बैटरी लगता है ना वहां पर आप इस रिचार्जेबल लिथियम बैटरी का यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर मल्टीमीटर में लगा रहा हूं। गाइस आपके पास भी 9 वोल्ट का पुराना बैटरी है तो आप इसे लिथियम बैटरी बनाकर इसे रिचार्जेबल बनाकर आप बार बार यूज़ में ले सकते हो, और आपको बार बार नया नया बैटरी खरीदने की टेंशन नहीं, आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा भी बच जाएगा। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर सेट कर लेना। तो गाइस अगर आपको जानना है कि मैं कहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वगैरह खरीदता हूँ, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ये रहा वीडियो का लिंक, इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।